गुरु जी को प्रणाम। भगवान सुखी रखे। क्या नाम है? तोरेंद्र जी। तारीख बताइए, जन्म तारीख। 18/8/80। समय बताएं। समय 1 बजे रात में, कोरबा में जन्म। आपकी कुंडली को जांचते हैं जी। कुंडली के अनुसार आपके मकान में बादामी रंग, क्रीम कलर कैसा रंग है? गुरुजी ग्रीन कलर का है। नहीं, इसमें तो क्रीम कलर दिखाई देता है, हल्का पीला या बादामी रंग पहले था क्या, अभी बदल दिया ऐसा है क्या? हाँ, पिछले साल बदले हैं। हाँ, पिछले साल बदले। ठीक। कुंडली के अनुसार आपको किसी प्रकार का चर्म रोग, स्किन डिजीज या एलर्जी कुछ है क्या? गुरुजी चर्म रोग तो नहीं है, लेकिन एलर्जी के केसेस, अस्थमेटिक प्रॉब्लम के बारे में ही मैं वही एलर्जी है। जी जी जी। आपकी कुंडली के अनुसार आपके पूजा घर में कहीं 3 गणेश जी तो नहीं हैं? जी जी जी। 2 बातें हैं जी। आपकी बीमारी के लिए 1 बाथरूम जिम्मेदार है जी। घर में अंदर घुसेंगे बिल्कुल लास्ट में बाथरूम है क्या कोई? हाँ, लास्ट शुरू में, लास्ट में है। वो बाथरूम बना उसके बाद आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम बढ़ गई है क्या? जी जी जी। पर ये तकलीफ बाथरूम बनने के बाद बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी तो है गुरुजी, लेकिन हाँ बीमारी पहले से ही थी। ठीक है जी। क्या जानना चाहते बताओ? गुरुजी इसी के एलर्जी के कारण से जो अस्थमेटिक समस्या है उसके निवारण के लिए उपाय जानना चाह रहा था मैं आपसे। अब जब तक अपन क्लियर नहीं करेंगे तो उपाय कैसे करें? हम वही पूछ रहे हैं, ये बाथरूम आपने कब बनाया घर में, लास्ट में कब बनाया, किसने बनाया? ये गुरुजी लगभग 7 साल हो गए। ये 7 साल के लगभग, 7-8 साल के समथिंग ऐसा हो गया। 18/7। अच्छा, अब 7 साल हो गए इसको बने, ठीक है ना जी। इसके बाद से बीमारी बढ़ी है, हाँ या ना? देखो भाई, 2-3 कारणों से बीमारी बढ़ी है जी जी। एक तो आपके घर में आपकी पत्नी कहाँ की, वहीं की है कि सागर तरफ की, कहाँ की है? नहीं, पास के ही है। आपकी पत्नी अगर मूंगफली खाएगी, मूंगफली जानते जी, पत्नी मूंगफली खाएगी हाँ। या चाय पिएगी या कॉफी पिएगी ज्यादा? चाय, कॉफी या मूंगफली हाँ। का सेवन पत्नी ज्यादा करेगी तो आपकी दमा बढ़ेगी जी। तो आपकी पत्नी, अब ये बड़ा रहस्य खुल रहा है, आपकी पत्नी मूंगफली बड़े शौक से खाती हैं, बताएं, कुछ बताना पड़ेगा इसमें? गुरुजी चाय पीती हैं। चाय पीती हैं हाँ। पर अगर वो मूंगफली का सेवन ज्यादा करती हैं जी जी, तो आपकी अस्थमा बीमारी बढ़ेगी जी। और घर में लास्ट में बाथरूम रहेगा तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। अच्छा, ये मुख्य बात जी। हम उसको हम हमेशा के लिए समाप्त करना चाह रहे हैं जी। जी गुरु जी हाँ। तो इस बाथरूम को आप, ये 17-18 साल से बना, 7 साल से बना? हाँ, 7-8 साल समथिंग ऐसे कुछ बना। बीमारी आपको लगभग 18 साल से है जी, पहले से। हाँ, बहुत पहले से। ठीक है ना जी। तो ये बाथरूम बनने के बाद बीमारी बढ़ गई है जी, मानते हैं ना जी जी जी। बाथरूम को बंद करके देख लें, साफ कर दे, दरवाजे में ताला लगा दे। अच्छा, आप मत तोड़ो ना जी जी जी, नुकसान मत करो। अच्छा, आप सिर्फ उसको हाँ? बंद कर दो, साफ करके ताला लगा दो या लॉक कर दो, मत उपयोग करो, यूज नहीं करना है बस। अच्छा, ठीक जी। ठीक, बस इतना कर ले, सुखी हो जाए जी गुरु जी। ठीक, धन्यवाद जी।